हेलो मेरे जी भाई, चलो भाई क्या हाल है, सब ठीक हो? मेरा नाम है जामुगल, आप देख रहे हैं बीआईवाई ब्लॉग। तो आज का लोग जो है तुम्हारा भाई जो है पास हो गया पेपरों में, और तुम्हारे भाई का दोस्त भी पास हो गया पेपरों में। तो आज जो है हमें सर ट्रीट दे रहे हैं खाने की। तो देखा सर हमें क्या खिलाते हैं, बर्गर खिलाते हैं, शवरमा खिलाते हैं या डिनर कराते हैं, वो अब तो वहाँ पे जाकर पता चलेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं सर के पास, फिर आगे का लोग कंटिन्यू करते हैं। तो भाई फाइनली मैं बोल रहा हूँ खान बर्गर, सर अंदर बैठे हैं, तो चले फिर अंदर सर के पास चलते हैं। फाइनली यार ये मेरे सर बैठे हैं शरोज भाई, ये उमर साहब बैठे हैं, मैं अंदर आ गया हूँ, दो इनसे ज़रा मिलने। ये देखो यार शरोज भाई ऑर्डर कर रहे हैं और उमर, दोनों मिल के डिसाइड करेंगे क्या ऑर्डर करना है। ऑर्डर डिसाइड करें क्या देना है आपने? हाँ जी शरोज भाई, आप क्या ऑर्डर देंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा मुझे लग रही है भूख। हाँ जी, और उमर ने ऐसे कपड़े पाए हुए हैं जैसे कि गोला नहीं होता उसके ऊपर रंग पाया होता है स्क्रीन वाला। तो सीन्स को जिस तरह है कि आज के दिन हमारा रिजल्ट आया है मेरा और जियान का, तो शोज भाई मेरे घर आए हैं और कहने लगे हैं कि उमर आज हमने जाना है ग्रिल बर्गर खाने, आज हमने एंजॉय करना है। तो ये शोज भाई आए हुए हैं और शोज भाई को समझ लगी ऑर्डर क्या देना है। नहीं लेकिन हमारे 3-4 साल तक हमारे सर रहे और हमें पढ़ाते रहे, इनकी वजह से आज हम पास हुए, इनको लग नहीं रहा था हम पास होंगे। ठीक है, कोई उम्मीद नहीं थी। इस इमरान खान को सारा क्रेडिट जाता है, इमरान खान को सारा क्रेडिट जाता है। उमर वैसे अपनी मेहनत से एक सब्जेक्ट में पास भी हुआ है। हाँ ये बात है। जो भी कौन सा सब्जेक्ट था वो? कंप्यूटर साइंसेस, कंप्यूटर जिसका मैं इंजीनियर हूँ खुदा ना खास्ता। और जियान का क्या हुआ? जियान के साथ क्या सीन है? जो भी जियान को एक बार पास हो गए और कुछ भी नहीं। बहुत इंटेंस चॉइस चल रही है शोज भाई की, शोज भाई को समझ नहीं लग रहा क्या मैं ऑर्डर करूं। ग्रिल बर्गर प्लस फ्राइज। हाँ जी, कुछ आज एज यूजुअल मेरी तबीयत खराब थी, जो शोज भाई को पता है मैं इनको 3 साल तक लारे लगाता रहूँ कि भाई मेरी तबीयत खराब रहती है। ठीक है, आज मेरी वाकई में तबीयत खराब थी और आज शोज भाई मिले हैं। ये पैदाइशी खराब पैदा हुआ था तो ये मुझे लेकर आ गए इधर खाने पीने, मेरा पेट यहाँ तक भरा हुआ है। कितना चलो पेट यहाँ तक भरा हुआ है क्योंकि इसको महीना लगा हुआ है। हम ना रेगुलर कपड़ों पहन कर आए थे, अब मैं जब यहाँ पर आया मुझे ऐसे यकीन मानो ऐसा लगा कोई कारी साहब आ रहे हैं मेरे सामने, मैंने गौर किया तो वो ये बंदा था। जी हाँ कायदे आज़म फैमिली पैक में भी दस्तियाब है। तो हमारा यहाँ पे ऑर्डर आ गया। शोज भी क्या आपने ऑर्डर किया था? मैंने ग्रिल सैंडविच किया था, ग्रिल बर्गर किया था और पराठा रोल कर गया था। जो भी खाना शुरू करें कैसा है शोज भाई, मजे क्या? तो यार भाई हमें हमारे सर ने खिला दिया बर्गर, खिलाया ग्रिल बर्गर था और चिकन पराठा था और चिकन सैंडविच था। चिकन सैंडविच ना खास नहीं था, वो सर ने खाया नहीं मैंने खाया, मुझे पता सर ने टेस्ट किया था बाकी। ठीक है, बाकी वो पैक हुआ है, वो देखो कौन खाता है, जो भी खाता है वो उसकी नसीब में होगा। और दूसरी बात ये है कि ग्रिल बर्गर था वो भी कोई मज़े का नहीं था, बाकी जो पराठा था ना चिकन पराठा वो मज़े का था। तो अभी जो हमने खा लिया है, आगे की जो रिव्यू है या उसके बारे में जो बताएंगे वो सर बताएंगे। सो व्यूअर्स, दिस इज़ द टाइम फॉर हैविंग एन ऑनेस्ट रिव्यू। सो टू बी ऑनेस्ट, वी ट्राइड ग्रिल बर्गर, ग्रिल सैंडविच एंड चिकन पराठा। अमंग द थ्री थिंग्स आई ओनली लाइक चिकन पराठा, द ग्रिल बर्गर वॉज नॉट सो गुड एंड वी इसके अंदर अजीब सी स्मेल भी आ रही थी और जो सैंडविच था वो भी कोई ऐसे जो स्पेशल नहीं था। बाय द वे जो पराठा था वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। थैंक यू। तो अब हम अपना खाना पीना हजम करने यहाँ पे पहुँच गए, ये स्ट्रिंग की बोतलें इनके हाथों में है। ठीक है, अल्लाह ताला के लाखों किसान है, हमने खाना वाना खा लिया और हमारे साथ एक मजदी जिसने पट्टे उठे खा लिए। यार ये हमारे सर हैं, ठीक है, इन्होंने अब पढ़ाना छोड़ दिया बच्चों को। ठीक है, अब हम इनकी तल्ले मारे। इस साल मेरे सारा बच्चा पास हो गया है, 7 साल में दूसरी दफ़ा मेरा सारा का सारा बच्चा पास हुआ है, इसी खुशी में मैंने पढ़ाना छोड़ दिया। तो भाई पढ़ा दे मेहरबानी, रात को 11 बजे ही बुलाएंगे फिर भी आ जाएंगे हम दोनों, हो जाती है हम आ जाएंगे। शौकत को तो आपने 2 बजे बुलाया था, शौकत को तो आपने 2 बजे तक उठा के रखा था।
शौकत माशाल्लाह प्यारा बच्चा है, तू वैसे थोड़ी ही है। लाफिस टाटा लाफिस रोज भाई लाफिस कर रहे हैं, बाय बाय बाय। तो ये हमारे सर थे शोज भाई, ये हमें 3 साल से पढ़ा रहे थे, तो इन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया है, तो लास्ट में हमें ट्रीट दी है यहाँ पे बुला के खाने पीने की, और अभी भी हमें कह रहे हैं कि नहीं अभी हमारी तरफ मेरी तरफ अभी तुम्हारी ट्रीट एक बाकी रहती है, तुमने अभी खाया पिया नहीं है। तो ये हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, सर हैं, 3-4 साल से हम इनके पास पढ़े थे। ये सर वो हैं जो उनको हमारी हर बात का पता है, इनकी हमें सारी बातों का पता है, ये बड़े भाइयों की तरह इन्होंने हमें ट्रीट किया है। 3 से 4 साल हमारे पास पढ़ते रहे और हमारे बिल्कुल भाई वाली बात है, हम पढ़ने आए थे इनके पास एज अ सर, ये हमें ऐसे सर पढ़ाते थे, लेकिन इतनी अच्छी बॉन्डिंग इतने अच्छे सर बहुत कम लोगों को मिलते हैं। तो होप सो अल्लाह इनको और अच्छी ऐसी ऐसे ही रखे, इनको हमेशा ऐसी खुश रखे। बीवी दे, ये ज्यान ने कोई ऐसी बात कर दी है मुझे, मैं बता नहीं सकता, लेकिन अच्छी बीवी दे, टाइम आने पर बताएंगे, टाइम आने पर बताएंगे। ओके नाजरीन, 200 साल पुराना अगर मंदिर खोलिए ना, तो जो यहोजी मम्मी बाहर आती है।